तो वो चिल्ला रहा था, महिला भी था और जेंट्स भी था, जेंट्स का आवाज आ रहा था, महिला का आवाज नहीं आ रहा था। हमने देखा तो हम बोले भैया क्या हुआ आपको, तो बोला कि ड्राइवर भाग गया भैया, बचा लो किसी तरह से, हमें गोली मार दिया। राजधानी पटना में सुशासन के दावे ठेंगे पर हैं। अपराधियों ने सुशासन के सुरमाओं को न सिर्फ चुनौती दी है बल्कि सुशासनी दावों को गोलियों से छलनी भी कर दिया है। पटना के चिरैया टार पुल के समीप रविवार की सुबह एक महिला की हत्या ने राजधानी को हिला कर रख दिया है। खाकी के दावों को सरेआम छलनी करने वाली ये वारदात गांधी मैदान और कंकड़बाग थाना इलाके के बॉर्डर पर हुई है। मृतका का नाम साइका परवीन है। मृतका के पति इमरान आलम ने बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ सिवान से अपने पैतृक घर डेरी ऑनसन जा रहे थे। होटल नहीं मिलने के कारण दंपत्ति ने ऑटो पकड़ा और उसके बाद स्टेशन की ओर निकले। इसी बीच चिरैयाटार पुल पर कुछ युवकों ने ऑटो को रोक दिया। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने साइका परवीन की गोली मारकर हत्या कर दी। यह खूनी वारदात कोतवाली और गांधी मैदान थाने इलाके की बॉर्डर पर हुई है। सर उधर से आ रहे थे तो वो चिल्ला रहा था, महिला भी था और जेंट्स भी था, जेंट्स का आवाज आ रहा था, महिला का आवाज नहीं आ रहा था। हमने देखा तो हम बोले भैया क्या हुआ आपको, तो बोला कि ड्राइवर भाग गया भैया, बचा लो किसी तरह से, हमें गोली मार दिया। अच्छा। हमने लाइट मार के देखा बाहर से, क्योंकि जो हम लोग डेली ड्यूटी करके आते हैं, तो देखा लाइट मार के, तो देखा कि जो है खून हो रहा। मैंने बोला भैया आपको कौन मारा, वो किसी परिवार से बात कर रहा था। बोले रुकिए पहले कौन मार रहा, बोला कि हमको गोली मार के चल गया। तो फटाक देना जो है उसी का मोबाइल से हमने जो है पीसीआर को फोन कर दिया, उन्हीं का मोबाइल। अच्छा। पीसीआर को फोन, कितने बजे की घटना ये? जस्ट 10-15 मिनट के बाद है सर। तो एक अभी जिप्सी वाले सर बोल रहे कि हम तो इधर से 10 मिनट पहले गुजरे थे, हमको सूचना मिला तो हम यहाँ आए, तो देखे कि तब तक एक नंबर मोबाइल जखनपुर का वो उठा के लेके चला गया। यहाँ पर आने के बाद ये सामान देख रहे हैं, गाड़ी का ड्राइवर फरार है। क्या घटना हुई है, कुछ जानकारी मिला है? अभी तो कोई जानकारी नहीं मिला है। अच्छा, गोली मारने की सूचना आई थी, महिला की किस हालत में कहती है? वो माथे पर लगा है, गोली लगी है। गोली लगा हुआ। अच्छा, महिला के क्या हालत है? आँख जो है ना उसको कोई काम नहीं है, चिंताजनक है। अच्छा, महिला भी कहाँ इलाज हो रहा है? पीएमसीएच। महिला की पहचान हुई है? क्या बोल रहे थे? अच्छा, ये घटना हुई है कौन से थाना क्षेत्र में हुई है? अभी घर का तो अभी हमने बताया। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने महिला की आंख में गोली मारी है, लिहाजा मौके पर ही महिला की मौत हो गई। राजधानी में हुई इस दिल दहलाने वाली वारदात ने पटना पुलिस के दावों की बखिया उधेड़ दी है। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।